साथ। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हालचाल। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अमेरिका में जो है टीकाकरण तीसरे डोज के लिए किया जा रहा है। हालांकि अभी काफ़ी कंपटीशन था तीसरा डोज लगवाने के लिए, वही लोग पहले लगवा सकते हैं जैसे कि जो फ्रंट लाइन में जो लोग काम करते हैं जैसे आग बुझाने वाले और पुलिस वर्क और हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो चूँकि मैं भी यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, मैं भी प्रोफेसर हूँ, तो मैंने भी जो मेरी भी एलिजिबिलिटी है कि मैं जो है जल्दी से जल्दी तीसरे बूस्टर डोज लगवा लूँ कोविड का। तो इसके लिए हम आ गए हैं इस सेफ फूड एंड ड्रग लिखा हुआ है ड्रग, ठीक है। तो उस ड्रग में चलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में कोविड इंजेक्शन अमेरिका में कोविड का तीसरा इंजेक्शन डोज कैसा लग रहा है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से हम पहुंच गए हैं, ये है सेफवे लिखा होगा आपको, रुक जाइए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, दिखेगा ये है सेफवे, ठीक है। और ये बहुत बड़ा है और अंदर देखिए स्टारबक्स की दुकान भी है, अंदर ढेर सारी और भी दुकानें हैं। तो अभी मैं चलता हूँ इनके अंदर, फिर आपको दिखाते हैं फार्मेसी, फिर फार्मेसी में लगवाते हैं कोविड का टीका। वैसे हम जो है मार्केट के अंदर आ गए हैं, अभी इधर चलेंगे, इधर कोने कहीं फार्मेसी होगी। अमेरिका में जितने भी ग्रोसरी स्टोर होते हैं वहाँ पे फार्मेसी और कॉफ़ी की शॉप है ना, चश्मे की दुकान, लोग क्लिनिक वाले डॉक्टर बैठे रहते, मतलब बैठ सकते हैं अंदर, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे घर गृहस्थी के सारे सामान मिलते हैं तो वो सब भी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको जो है मेडिकल से संबंधित सारी सुविधाएँ मिल जाए। तो इस वजह से यहाँ पे जो है एक फार्मेसी भी रखते हैं अंदर। जैसे ये ग्रोसरी स्टोर तो 24 घंटा खुला रहता है लेकिन फार्मेसी जो है बंद होते रहते हैं। इस तरह से हम पहुँच गए हैं फार्मेसी के पास, वो है इधर कहीं होना चाहिए, ये है फार्मेसी, इधर है बाज़ार, इधर आगे आगे आगे, तो ये है फार्मेसी। अभी इसके अंदर चलेंगे जहाँ पे हम डॉक्टर फार्मासिस्ट लोग होते हैं, इंजेक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे एक जो है रूम है, ये फार्मेसी है उधर, और हम यहाँ पे एक छोटा सा रूम बना दिया गया है, रूम के लिए एक छोटा सा बाउंड्री बना करके एक दीवार इस तरह से बना दिया गया है। कुछ कुछ इंजेक्शन और सब कुछ अल्कोहल पैक ये सब है, ठीक है। अभी ओ आई नर्स और नर्स जो होते हैं यहाँ पे, फार्मेसी है, फार्मेसी जहाँ पे दवाइयाँ बेची जाती है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस आपके पास है, आप यहाँ से ले सकते हैं। सारी कंपनियों को बात किया जाए कि यूनिवर्सिटी में जो डॉक्टर हैं वो, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो, क्लिनिक के डॉक्टर प्लस फार्मेसिस्ट, जितने लोग को इंजेक्शन लगाने आता है सबको परमिशन दे दिया गया था, सबको लगा दिया गया। तो खास बात यह है कि इस बार के जैसे मॉडर्ना और फाइजर दो प्रकार के वैक्सीन काफ़ी पॉपुलर थे अमेरिका में, तो हमने मॉडर्ना लगवाया। तो इस साल जो तीसरा साल है वो जो है आपकी मर्जी है, चाहो तो मॉडर्ना लगवा लो। जैसे जो पहला मॉडर्ना था तो दूसरा भी मॉडर्ना रहेगा, और पहला फाइजर है तो दूसरा बूस्टर डोज भी फाइजर ही रहेगा, लेकिन जो तीसरा बूस्टर डोज है वो आपके ऊपर है, चाहो तो फाइजर लेना चाहो तो फाइजर लो, या तो फिर उसके जगह मॉडर्ना लगवाना चाहते हैं तो मॉडर्ना लगा सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, ऐसा है। तो सिर्फ इतना ही ध्यान देना चाहिए कि दोनों जो वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड है, ठीक है। तो वो mRNA क्या होता है कि उसमें बॉडी के अंदर जाता है, एक प्रकार की जीन थेरेपी का एक पार्ट है। तो जीन थेरेपी का पार्ट का मतलब होता है कि जो भी वैक्सीन आपको लगाते हैं वो बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल होता है mRNA, वो आपके बॉडी में जा करके वो जो है कोरोना वायरस का जो सरफेस प्रोटीन होता है, ठीक है, वो सिंथेसाइज करता है, ठीक है। जब वो सिंथेसाइज करता है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है, तो एंटीबॉडी आपके शरीर में रहती है, हमेशा रहती है। बी सेल होते हैं आपके शरीर में जो मेमोरी के रूप में हमेशा रहते हैं, तो फ्यूचर में कभी भी आपको वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वो एंटीबॉडी आपको एक्टिवेट, बी सेल तुरंत एंटीबॉडी और भी बनाएगा एक्स्ट्रा, और जो है पैरासाइट को जो मलेरिया कोरोना वायरस का जो पैरासाइट है उसके एपिटोप को बाहर से पकड़ लेगा, और बाद में जाकर उसको माइक्रोफेज होते हैं उसको दे देगा, उससे माइक्रोफेज उसको खा के खत्म कर देगा, ठीक है। ये होगी प्रक्रिया। तो हमने जो है I'm not sure if it's gonna be like
the three doses every year. Mm-hmm. But I know that it's not the yearly vaccine, so. Okay, that's good. Yeah. So people come here for flu and COVID. Mm-hmm, yeah. So I can choose any vaccine, right? Like Moderna versus. Yeah, now they're saying that you can combine them. Yeah. So. Just relax, you. Okay. Take a deep breath for me. There we go. Feeling okay? Yep. Do you have your vaccine third one already? Yeah, not the booster, okay. But I already have my two shots with Moderna. Enough. There you go. I'm sorry? Why is not the third one yet? Because they just approved it, so I haven't had the time to put it. Yeah. Okay. There you go. Great. Thank you. Yeah, you're welcome. So do I have to stay outside for a couple of minutes? Or yeah, maybe 10 to 15 minutes, okay. Just to make sure, yeah. Can I walk around instead? Just. Yeah, okay. If you can just feel comfortable, okay. Yeah, sure. Okay. I give you the coupon, yes. Yeah, thank you. Okay, thank you. Thank you. Yeah, and then do you already have the photo? Yes, yes. Okay, perfect. Yeah, I think so, yeah. Thank okay. You. Thank you. Yeah, my card mila hai. ये पुराना वाला जो कार्ड था मैंने लाया नहीं था, भूल नहीं गया, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। तो उन्होंने देखे मैडम ने जो है दो जगह ऊपर का जो है उन्होंने छोड़ रखा, कहा था भर देना इसमें से कौन कौन से तारीख में जमा किए, इंजेक्शन लगा था पहला और दूसरा और तीसरा हमको लग चुका है, कभी चौथा लगेगा तो चौथा भी लगेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर साल ही लगने वाला है, क्योंकि फ्लू शॉट अमेरिका में हर साल अक्टूबर नवंबर में लगते हैं ठंडी आने से पहले। तो अब मुझे लगता है कि अब कोविड का भी वैक्सीन हर साल लगेगा, ठीक है। तो थर्ड बूस्टर जो है उसमें लोग बहुत एक्साइटेड नहीं लगे, ऐसा लगता है चलो ये तो रोज़ का है चल रहा है, पहला जब लगा था दूसरा जब लगाया लोग बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है। साथ में मैडम ने हमको एक सर्टिफिकेट मिला, अगर $200 का खर्चे खरीदते हैं तो आपको 10% छूट मिलेगा, क्योंकि ये जो है जो फार्मेसी है ये किसी ग्रोसरी स्टोर के अंदर है जहाँ पे सब्जी और घर गृहस्थ सारे सामान होते हैं, ठीक है। तो लोग यहाँ पे जब आते हैं साथ में खरीदते हुए तो उसमें से खरीद करके आप कुछ ले जाना चाहते हैं, तो अगर आप $200 का खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से हमको जो है वैक्सीन लग गया है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैडम ने बोला है कि वैक्सीन लगने के बाद 10-15 मिनट आप यहीं पर रहें, आसपास मड़राते रहें, ताकि उनको जो है कोई अगर साइड इफेक्ट इमीडिएटली होता है तो तुरंत रिकवर कर सकें। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है। या ये देखो नया मुझे कार्ड मिला है। Yeah, I got it. Look, what are you? पकड़ना का? You got Moderna? Yeah. Aww. See? Daddy, mm-hmm. Look at that. तुम 15 minutes चल रहा हूँ। चलो $100 का खरीदोगे $200 का 10% तुम्हें छूट मिलेगा। Daddy, there is a super horn maze. Oh my god. And Daddy, there's things like there's maybe a tree and there can be a. Oh my god, this is super hard. Oh, it's armadillo. Oh yeah. ये तुम ले रही हो? Yeah. Good job, man. That's games. Oh, I think we need to cut. चलो ठीक है, जमीन पे मत रखो, नहीं उठा लो। इसको लेना है, हाथ में ले ले। अन्नू, ये तुम्हारा है? Yeah, I want it. Okay, can I take one for me? What? I'll show you. Come on. तो सब लोग अपने अपने लिए खरीद रहे हैं, तो मैं भी अपने अपने लिए खरीदूंगा। गाइस, मुझे जाना है नंबर 2 में, ये है नंबर 7। Yeah, brain fun maze. It's very hard. And it's fun. And it's a maze. Oh. Can I ये है नंबर 2। चलो अंदर चलो। I need something that can poke bacteria eyes. Wait, what? Bacteria eyes. I wanna poke bacteria eyes. What is that? I will show you. Like poke? Yeah, this one. ये चाहिए मुझे. What is that? इससे हम bacteria का आँख में फोड़ सकते हैं. We have this already. आपका? बहुत सारा है. This one we got. This side we got it. No, जो हमारे लैब के लिए खरीदा गया था, लैब एट होम, उसके लिए तुमने अलग से खरीद रखा था। हमने अलग से भी खरीदा था और एक था भी। Remember, अभी आन्या का हमने वो बनाया था। तो हमारे पास और है? बहुत सारा है। मुझे ये बैक्टीरिया जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, बैक्टीरिया कॉलोनी क्लिप, वो तो मैं ऑटो क्लिप करूंगा वैसे भी। ठीक है।
like, नहीं वो नहीं चाहिए, I know, I'm just saying. ये तो बर्गर बर्गर को बंद करने के लिए है. Daddy, yeah, green shade, this pickle. Wait, I just ate the pickle. No, it's not this. It's तो जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जीन थेरेपी पे काम करता हूं, तुमसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. बैक्टीरिया कॉलोनी को पिक करने के लिए मैं यही यूज करता हूं. इसको क्या करेंगे, ले जाके ऑटोक्लेव करेंगे. ऑटोक्लेव का मतलब कि इसमें जो भी कंटेमिनेशन होंगे बैक्टीरिया ऑलरेडी के, जो लोग छू छा रहे हैं इसको, ताकि वो मर जाएं, ताकि मैं अपना काम कर सकूं. तो ये इस तरह से मैं कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ के लिए लेके जाता हूँ. ओह या, ये ग्रिंच खाता है. दिस इज़ व्हाट ग्रिंच एट. तो अमेरिका में क्या होता है, कभी कभी मतलब मुझे कभी इस टाइप की चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें खरीदना होता है, मैं अपने पैसे से खरीदता हूँ. मैं चाहूँ तो इसको रीइम्बर्समेंट करा सकता हूँ, लेकिन मैं कराऊँगा नहीं. तो ये है अचार. अचार बनाने के लिए मैंने पानी में जो है खीरा डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया. जय बजरंग बली, अचार तैयार. ओहो ओहो, तो देखिए यहाँ पे जो है सब्जी वगैरह भी मिल जाती है. इसके बारे में कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. ठीक है. ये देखिए खजूर है, यहाँ पे डेट जिसको बोलते हैं. एवोकाडो है जो कि साउथ अमेरिका से आता है, बहुत ही प्रोटीनियस होता है. ये देखिए अदरक है, ये बुढ़िया अदरक है अपने, हाँ अपने पास तो बहुत अदरक है. ये देखिए सब्जियों में जो है पानी का फव्वारा हो रहा है. ये देखिए पानी का फव्वारा मारने के लिए यहाँ पे मशीन लगे हुए हैं, इससे हरी सब्जियों पर पानी का फव्वारा मारता रहेगा. भैया बढ़िया, देखो यहाँ पर भी रखा हुआ है. इसमें जानकारी के लिए आपको बता दूं, जानकारी के लिए बता दो कि जब भी आप साइंटिफिक चीज़ें आप किसी साइंटिफिक वेबसाइट से ख़रीदते हैं तो बहुत महंगा होता है. यही चीज़ अगर आप किसी सिग्मा या उस तरह से या ख़रीदेंगे तो आपको जो है कम से कम जो है ये जो है 150-200 नहीं, कम से कम 10 या 15 डॉलर का मिलेगा. और यहाँ पे कितने का है, सिर्फ 2 डॉलर का. मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइस, ये देखिए 299 का है. ठीक है, अगर ये अभी साइंटिफिक वेबसाइट से लेंगे तो कम से कम 10-15 डॉलर का देगा. अन्या मुझे लगता है मुझे एक ले लेना चाहिए. क्या है ये, क्या है प्रून्स, क्या होता है गुड़िया? ये प्रून्स की है. अच्छा, इसका मतलब ईस्ट स्टेशन में बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, इसको इसका नहीं मतलब पेट साफ कर देता है. पूरे ये प्याज है कि क्या है ये? हाँ गार्लिक है, लहसुन है ये. नहीं नहीं मुझे ये समझ, वो भी तो है मेरे पास सब कुछ. यहाँ देखो ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, ये है ना, बादाम हैं. और चलो निकलते हैं यहाँ से. यहाँ पे है वाटरमेलन, 2 प्रकार के हैं. एक पर्सनल मिनी वाटरमेलन $5 उन्होंने 99 सेंट का है, और ये वाटरमेलन रेगुलर जो $7 के आसपास का है. तो हम बड़ा वाला लेते हैं, $1 में हमको दुगना माल मिल जाएगा. तो क्यों नहीं, ठीक है. यहाँ पे देखिए कोल्ड ड्रिंक है इतने सारे प्रकार के. Watermelon. Yeah, that's a big one. Daddy, look at the eyeball. Oh, you're paying? Good job. My turn. Oh, that was magazine. Okay, yeah, my turn. Oh, that's hard. Those are surprise egg! No, don't get it. I see a surprise egg. Don't. Okay.
बाय। दूसरा वाला जब इंजेक्शन लगा था उससे जितना साइड इफेक्ट हुआ था, तीसरे वाले में बहुत कम साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो हो सकता है मेरे इस बाह में, जिस बाह में इंजेक्शन लगा है, थोड़ा सा दर्द हो और मुझे नहीं लगता फीवर वगैरह होगा। और फिलहाल तुमने इंजेक्शन लगवाया बढ़िया थर्ड वाला, तुमको क्या हुआ था साइड इफेक्ट में? फीवर, हेडेक, मसल पेन। फीवर थोड़ा सा हुआ था, फीवर, हेडेक, मसल पेन। कैसी बीती रात तुम्हारी? साइड इफेक्ट्स पूछो ना, कैसे मैंने रहने बीता। वीडियो क्यों बना रहे हो? साइड इफेक्ट में क्या था कि मुझको फीवर बहुत खतरनाक तरीके से था, सर दर्द था, बॉडी पेन था। अभी सही है, मुझे लगता है चला जाएगा ना। नाइस, फिर हैलोवीन मनाने चलेंगे। ठीक है, बहुत दूर तक जाना है ना। क्यों? पिछले साल तो हम दूर तक गए थे। ठीक है, ठंड भी नहीं है, लेकिन देखो तब तक मैं सही हो जाऊँ तब तक। हाँ, हैलोवीन रात में कम से कम वॉक तो कर सकूँगा ना। यस, वॉक करोगे तभी तो सही होगे। हाँ, और तुमको फीवर हुआ था ना? सुपर, मेरा 48 घंटा तक था। नहीं नहीं नहीं, तीसरा वाला डोज। या तो कैसा लगा हमारा आज का ये कोविड वैक्सीन वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और जल्दी से कोविड का इंजेक्शन सब लोग लगवा लीजिए, वैक्सीन का। बाय बाय।